भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। दमोह जिले के पथरिया वार्ड क्रमांक 7 में कई साल पुराने जर्जर भवन को नगर पंचायत और प्रशासन ने ढहा दिया। इस मकान में बीते कई सालों से मकान मालिक नहीं रहते थे, वो कहीं दूसरे शहर में जाकर रह रहे हैं। खंडहर हो चुका यह मकान बारिश के चलते कभी भी ढह सकता था, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को जोखिम हो सकता था। बता दें कि हाल में दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि वह अपने अपने क्षेत्र में जर्जर हो चुके भवनों को ढहा दें, ताकि किसी तरह की जनहानि की संभावना न रहे। इसी के तहत नगर पंचायत पथरिया ने इस भवन पर एक नोटिस चस्पा किया था, लेकिन मकान मालिक प्रेम नारायण दुबे, कालीचरण दुबे, देवकी नंदन दुबे यहाँ नहीं पहुँचे। इसके बाद सोमवार को पथरिया में यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान पथरिया तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी, नगर पंचायत सीएमओ राजेश अवस्थी मौके पर मौजूद रहे। जेसीबी बुलवाई गई और उसमें लोहे का गॉर्डर लगाकर पहले मकान के निचले हिस्से को ढहाने का प्रयास किया गया। धीरे धीरे भवन को ईंटें निकल गई और कुछ ही देर में पूरा भवन धराशायी हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि रहवासी इलाके में बने इस जर्जर भवन में बारिश के पानी से नुकसान हो सकता था और दूसरे लोगों को जोखिम हो सकता था, इसलिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।